नमस्कार, मैं हूं खुशबू हजारे। आप देख रहे हैं खबर ठिकाना। इन दिनों हम देख रहे हैं कि कैसे महाराष्ट्र में कंट्रोवर्सी चल रही है। मस्जिदों में अजान लाउडस्पीकर पर नहीं बजनी चाहिए, अगर बजी तो फिर मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। इस तरह का माहौल चल रहा है। लेकिन इसी बीच मैं आपको एक ऐसी पॉजिटिव खबर सुनाऊंगी जिसे देखकर इंसान की सोच ही बदल जाएगी। और कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ को किस एंगल से देखते हैं वही बात आपके विचारों को बदल देती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है हासन जिले के बेलूर स्थित चन्ना केशव मंदिर पर। इस मंदिर में हर साल वार्षिकोत्सव रखा जाता है। इस उत्सव में एक रिवाज है कि जो रैली है वो निकालने से पहले कुरान की आयतें पढ़ी जाती है। मौलवी बाकायदा मंदिर आता है और रथ यात्रा के सामने आयतें पढ़ी जाती है और उसके साथ ही ये रथ यात्रा निकलती है। एक्चुअली यहाँ पर ये रिवाज है और सालों से ये रिवाज चलता आ रहा है। सबसे बड़ी बात, अभी हिजाब कंट्रोवर्सी और महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर कंट्रोवर्सी के बीच कर्नाटक में कई सारे डिसीजन लिए गए थे जिसमें कहा गया था कि जो हिंदू मंदिरों के महोत्सव हो रहे हैं वहां पर मुसलमानों को पंडाल नहीं दिए जाएंगे और मुसलमानों के लिए टोकन तक नहीं निकाले गए। इसी बीच ये कहा जा रहा था कि शायद मंदिर का भी ये रिवाज इस बार नहीं होगा, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाज़त दी और मंदिर में उसी रिवाज को फॉलो किया गया। रथ यात्रा के सामने मौलवी ने आकर कुरान की आयतें पढ़ी और उसके बाद ही ये रथ यात्रा आगे बढ़ी। हालांकि हर बार जहां सिक्योरिटी इतनी नहीं रखनी पड़ती है वहीं इस बार भारी पुलिस बल तैनात किया गया और उसके बाद ही इस रस्म को निभाया गया। इस रस्म को देखकर अपने आप में सोच बदल जाती है कि कहां एक मंदिर पर रथ यात्रा शुरू ही कुरान की आयतों से होती है वहीं कहां ये नफरत की बातें हो रही है। खबर ठिकाना में अभी के लिए बस इतना ही। पल पल की अपडेट्स को हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर ठिकाना।